हमारे पास तरीका हमेशा दो तरीके होते हैं एक है शॉर्ट में काम कर ले एक थोड़ा सा जो है विस्तार से पढ़ ले हमके बहुत टाइम है हमारे पास एग्जाम को काफी समय है तो चिंता मत कीजिए जो चैप्टर कवर करेंगे ऐसा कवर करेंगे कि फोड़ के आएंगे उसमें क्या करेंगे हम फोड़ के आएंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी हम वही करने वाले हैं ठीक है ठीके?

कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है ठीक है तो एक काम करते हैं तो ज्यादा बातें नहीं लेक्चर कंटिन्यू करते हैं उसके बाद फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे हेलो कमांडोज वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर गीतेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने जो लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया था वो था एक्सक्रिटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन मतलब हमने एक्सक्रिट सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है अभी तक ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम क्या क्या चैप्टर पढ़ चुके हैं बेटा हम देख चुके, चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को देख चुके हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख चुके हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट किया हमने एक्सक्रिट सिस्टम को हमने कंप्लीट किया साथ में हमने जो है ट्वेल्थ के पर में पैरल हमने रिप्रोडक्शन सिस्टम को भी कवर कर लिया हमने तो अभी हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्लियर ठीक है जिसमें हम पढ़ेंगे मस्कुलर मसल्स के बारे में पढ़ेंगे मस्कुलर मूवमेंट्स को देखेंगे मस्कुलर फिजियोलॉजी को समझेंगे जिसमें हम बोन्स को पढ़ेंगे हमारे स्केलेटर सिस्टम को हम समझेंगे ठीक है वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और पूरा जो ह्यूमन फिजोलॉजी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जूलॉजी के नाम पर नीट के सिलेबस में कोई सबसे बड़ा कंटेंट है वो ह्यूमन फिजोलॉजी का ही है और पूरी लाइफ आपको जो कॉलेज में भी काम आएगा वो ह्यूमन फिजोलॉजी ही आपको काम आएगा ठीक है चलिए तो आ, हम आज लेक्चर नंबर वन में कुछ बेसिक फंडामेंटल से बात करेंगे और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हर चैप्टर का जो लेक्चर नंबर वन होता है बेसिकली दैट इज बेसिक फंडामेंटल लेक्चर जहां पर हम उस चैप्टर की पूरी की पूरी इमारत को बिल्ट करने के लिए नींव को तैयार करते हैं चलिए तो अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जब हम मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है मूवमेंट के मूवमेंट वर्ड आता है के. तो मूवमेंट का जो है बेटा ये कोई भी लेने कोई भी लिविंग विंग जो होता है उसके अंदर मूवमेंट्स आपको देखने मिलता है और मूवमेंट्स जो होता है हम ये कह सकते हैं कि ये लिविंग विंग के अंदर मिलने वाला एक सिग्निफिकेंट फीचर होता है ठीक है याद रखना मूवमेंट और लोकोमोशन में फर्क होता है हम फर्क पर बात करेंगे अभी हम इतना कहते हैं कि मूवमेंट कई तरह का होता है जैसे याद करो आपको जब हम साइटोलॉजी पढ़ रहे थे तो हमने प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट की बात की थी हमने कहा था साइटोप्लाज्म का जो मूवमेंट होता है उसे हम साइक्लोसिस कहते हैं याद है आपको उसके लिए हम साइक्लोसिस वर्ड का यूज करते हैं क्लियर ठीक है तो मूवमेंट जो है वो सेल के लेवल से लेकर जो है टिश्यू के लेवल तक और एक पूरे ऑर्गेनज के लेवल पर तक भी हमको देखने मिल सकता है जो प्लांट्स हैं प्लांट्स भी जो है वो मूवमेंट शो करते हैं जड़े जो रूट्स हैं वो ग्रेविटी के प्रभाव में आकर जमीन के अंदर की ओर ग्रो करती है पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होती है तना जो है वो आसमान की ओर मूव कर रहा है नेगेटिवली जियोट्रॉफिक होता है जड़े जो होती है वो वो जो हम जड़े जो होती है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे ग्रो करती है फिर मैंने आपसे कहा कि तना जो होता है वो लाइट की ओर मुड़ जाता है तो ये सब क्या है ये सब जो है एक तरीके से मूवमेंट होते हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको आप टच करते हैं तो उनकी पत्तियां बंद हो जाती हैं हम पढ़ेंगे आगे जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब हम उन मूवमेंट्स पर भी बात करेंगे अभी हम इतना समझ रहे हैं कि मूवमेंट इज दी वन ऑफ दी सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग विंग के तो मूवमेंट जो होता है या हम कहते हैं गति का होना या मूवमेंट का होना जो होता है उसे हम एक हिंदी वर्ड गति यूज करते हैं हम के तो मूवमेंट हुआ उसके उसकी उसका वो लिविंग विंग का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है एक सिग्निफिकेंट फीचर होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स एक्सिबिट ए मूवमेंट के एनिमल्स और प्लांट बड़े अलग, अलग -अलग हूँ और मैं अपने हैंड को मूव कर रहा हूं मूवमेंट लेकिन जब मैं यहां से निकल के बाहर चला जाता हूं दी लोको मोशन के लोको मोशन कम्स विद मूवमेंट विच इज है डिस्प्लेसमेंट ऐसा मूवमेंट जिससे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो दी लोकोमोशन मोशन ठीक है तो याद रखिएगा मैंने अभी आपसे कहा स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज में जीव द्रव्य की गति जो होती है याद करो आपको हमने साइटोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि एक होता है बेटा सर्कुलेशन होता है एक रोटेशन होता है साइक्लोसिस हमने पढ़ा हुआ है कि साइक्लोसिस में हमने साइक्लोसिस या स्ट्रीमिंग मूवमेंट में हमने पढ़ा हुआ है कि एक लगातार एक ही दिशा में घूमेगा उसे सर्कुलेशन बोलेंगे हमके ठीक तो हमने कहा था कि जो सर्कुलेशन है वो 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 राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंड दो दिशाओं में हो सकता है दूसरा दूसरा क्या होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन हो सकता है वो रोटेशन रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है सर्कुलेशन मल्टीपल डायरेक्शन में होता है याद है आपको साइटोलॉजी में हमने स्ट्रीमिंग मूवमेंट या साइक्लोसिस के बारे में बात किया था ठीक है

में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाए जाते तो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म स्टैटिक होता है जबकि यूक्रोटिक का साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर लगातार गति होती रहती है क्योंकि उसके अंदर साइटोस्टल होता है जो जो प्रोटोप्लाज्म को मूव करता रहता है क्लियर देखिए आप ना और आप देख रहे हैं कि इस मूवमेंट सेल जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो है या प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो है उसमें आप देख रहे हैं आपको माइक्रो ट्यूब्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं एक्टिन प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन के फिर ट्यूबुलिन uh, प्रोटीन ये सब इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम देखते हैं कि एक यूक्रोटिक सेल के अंदर कई सारे वेसाइकल्स होते हैं कई सारे ऑर्गेनल होते हैं जो सेल के अंदर लगातार मूव कर रहे होते हैं तो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेल का जो डिस्प्लेसमेंट है मूवमेंट है उसमें रोल प्ले करता है क्या जो मॉलिकुलर मोटर्स होती है देयर आर दिस या तो करो मैंने पढ़ाया हुआ ये सब चीजें मैं साइटोलॉजी में बताया हुआ ये सब चीजें मैं आपको साइटोलॉजी में बताया हुआ ऑलरेडी तो मैंने आपसे कहा था कि जो काइनेसिन प्रोटीन होता है वो वो माइक्रो टिब्बिल के ऊपर मूव करते हैं और वैसे को कैरी करते हैं इनको हम मोलिकुलर मोटर्स भी कहते हैं इनके लिए हम मोलिकुलर मोटर वर्ड भी यूज करते हैं दे आर बेसिकली बिहेविंग लाइक दी मोलिकुलर मोटर्स ठीक है

मैंने आपसे कहा कि पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट है, है और और जो है कुछ में की बात करें फ्लैजिला तो में फर्क है सीलिया नंबर, संख्या में कम होते हैं बड़े होते हैं छोटे होते हैं सीलिया कोऑर्डिनेट मूवमेंट करते हैं अंडुलेटरी मूवमेंट कहते हैं और ये अंतर भी मैंने साइटोलॉजी में बताया हुआ अंडुलेटरी रेंडम मूवमेंट करते हैं जबकि सीलिया जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेशन में मूवमेंट करते हैं क्लियर

करते हैं तो कोई एक स्ट्रक्चर जो है एक ही काम करेगा जरूरी नहीं है वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है ठीक तो मैंने आपसे क्या कहा यदि आप लोकोमोशन की बात करें तो एक फंडा दिमाग में डाल लीजिए जब आप लोकोमोशन की बात करते ना तो लोकोमोशन का सिंपल मतलब यह है कि ऐसा मूवमेंट जिससे डिस्प्लेसमेंट हो बॉडी डिस्प्लेस कर जाए आपका पोजिशन चेंज हो जाए उसे हम लोकोमोशन बोलते हैं जैसे मैं यहां खड़ा हूं और मैं अपने हैंड को मूव कर रहा हूं गर्दन को मूव कर रहा हूं तो म, मैं कुछ भी बॉडी का स्ट्रक्चर मूव कर रहा हूं लेकिन मैं यहां से शिफ्ट होकर इस तरफ नहीं जा रहा हूं लेकिन मैं यहां से शिफ्ट होकर यहां चला गया या यहां शिफ्ट होकर मैं यहां आ गया दैट इज दी लोको मोशन के तो लोकोमोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है जबकि मूवमेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है क्लियर

हाइड्रा जो होता है ये समर सॉल्टिंग को शो करता है ये और टेंटेकल्स की हेल्प से ये मूव करता है कैसा होता है हम आगे इमेज देखते हैं इसका अभी इतना रखिएगा समर सॉल्टिंग मूवमेंट कहां देखने मिलता है आपको समर सॉल्टिंग मूवमेंट आपको देखने मिलता है कहां पर हाइड्रा में देखने मिलता है विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल्स होता है Earthworm में सेगमेंटेड बॉडी होती है और जो लॉन्ग मसल होती चलता है, केचुआ, जमीन पर आगे बढ़ता है और इसमें उसकी लॉन्गिट्यूडल मसल्स और सर्कुलर मसल हेल्प करती है और साथ में कुछ स्ट्रक्चर निकले होते हैं बॉडी पे उभरे हुए इनको सीटी कहते हैं वो पकड़ बनाए रखने में हेल्प करते हैं याद आया है नहीं आया पढ़ा हुआ ऑलरेडी हमने ठीक है फिर इंसेक्ट की बात करें इंसेक्ट्स में विंग्स होते हैं जो उड़ने में हेल्प करते हैं ठीक है स्पाइडर में जॉइंटेड लेग्स होते हैं इंसेक्ट स्पाइडर आर्थु पड़ा में आते हैं स्पाइडर चुकी उड़ता नहीं स्पाइडर में जो जॉइंटेड लेग होते हैं तेजी से वो मूव कर सकता है बीटल जो होते हैं इनमें विंग्स भी होते हैं लेग भी होते हैं ये उड़ भी सकते हैं और ये चल भी सकते हैं ग्रास होपर जो होता है वो जंप करता है ग्रास ऊपर जो होता है ना वो जंप करता है उसके हिंडलेग में म, पिछले पैरों में स्ट्रांग मसल होती है उसकी हेल्प से वो ग्रास ऊपर जंप करके दूर तक आगे निकलता है झिंगुर की बात कर रहे है हैं के ग्रास ऊपर की बात कर रहे हैं के तो ये जंप कर सकते हैं ठीक है मतलब यह है कि जब आप लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर शुरू करते हैं इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में एक बात साफ सा बना चाहिए कि दुनिया में जीवों में कितने प्रकार के मूवमेंट देखने मिलते हैं जब आप याद रखिएगा लोकोमोशन एनिमल की करेक्टर्स है लोकोमोशन एनिमल की करेक्टर है लोकोमोशन हायर प्लांट्स में नहीं होता है एक एल्गी मूव कर सकते एक एल्गी मै शो ए लोकोमोशन एक इस माइक्रोस्कोपिक एल्गी है यूनिसेल्ड फ्लेजिली है वो लोकोमोशन को शो कर सकती है वो मूव कर सकती है जैसे हम बात करें क्लेमाइडोमोनास जो होता है मूव कर सकता है ठीक है फ्लेजिला है तो मूव कर सकती है एलगी उठ के और जिस जो जो हायर प्लांट होते हैं वे मूव वो लोकोमोशन को शो नहीं करते हैं तो लोअर एलगी में हमको लोकोमोशन देखने मिलता है लेकिन जो है उनके अलावा एक्स उसके अलावा यदि हम देखें तो प्लांट किंगडम में हमको जो है वो लोकोमोशन देखने नहीं मिलता है हालांकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हालांकि हायर प्लांट जो होते हैं उनके भी गेमिट जो है वो तैरकर कई प्लांट होते हैं गेमिट पानी में तैरकर फीमेल गैमिट तक पहुंचते हैं तो हम उसकी बात अलग से करेंगे अभी ओवरऑल हम एक एडल्ट एक बॉडी की बात करें तो हम बोलते हैं कि लोकोमोशन ऑफ एनिमल्स ठीक है देखिए आप देख रहे हैं हाइड्रा के। हाइड्रा में ये समर सॉल्टिंग मूवमेंट को शो करता है हाइड्रा है और हाइड्रा में आपको दिखाई पड़ रहा है, है आपको दिखाई दे रही है टेन टकल ये ये टेंटकल हाइड्राम के और ये जो टेंटेकल्स होते हैं ये वास्तव में जो है वो हाइड्रा में मूवमेंट में हेल्प करते हैं देखिए ये झुका झुककर इसने क्या किया लूप समान इसने लूप समान स्ट्रक्चर को बनाया इसलिए इसे हम लूपिंग भी कहते हैं सबके लूप समान स्ट्रच को बनाया इसने झुका लूप जैसा बनाया इसने जमीन में टच किया और देखिए आप घूम के वो वापस से सीधा हो गया के, तो ये उल्टा हुआ देखिए उल्टा हुआ ये उल्टा होकर फिर सीधा हो गया ये तो इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं अब समर सॉल्टिंग इसे क्या बोलते हैं इसके हम जो है वो समर सॉल्टिंग मूवमेंट कहते हैं इसको हम क्लियर ठीक है फिर आप देखिए एनिमेशन में ध्यान से देखिए आपको एक अर्थ वार्म दिखाई पड़ रहा है इस अर्थ वार्म में आप देख रहे हो कि लॉन्गिटल मसल और आ, सर्कुलर मसल जो है वो किस प्रकार से कॉन्ट्रेक्ट कर रही है और जमीन पर यह क्रॉल कर रहा है तो, तो क्रॉल करने में आप देख रहे हैं कि जो इसके मसल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर रहे हैं और वो स्ट्रक्चर जैसे जो सर्फेस है उससे चिपकने के लिए इसकी सर्फेस पर कुछ उभार होते हैं इनको हम सीटी कहते हैं याद है आपको ठीक है

बॉडी को आप अपने आप को बेंड कर रहे हैं स्विंग कर रहे हैं टर्न कर रहे हैं पुश कर रहे हैं ठीक है ट्विस्ट टु, कर रहे हैं तो वहां पर आपका चूंकि आपकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है पे पोजीशन चे, चेंज नहीं हो इसलिए इसको हमने नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट का जब आप स, जो है वो स्लाइड स्टेप करते हैं साइड में आप आगे वॉक करते हैं आपके ठीक है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां पे तो ये लोकोमोशन में शामिल होगा वॉक करते हैं रन करते हैं आपके जंप करते हैं आपके तो कुछ भी आप जिससे आपका बॉडी जो है वो एक जगह को छोड़कर अगली जगह पर पहुंच जाता है दैट इज द लोकोमोशन और लोकोमोशन बता दूंगा आपको इकोलॉजी में जब इकोलॉजी पढ़ेंगे हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि लोकोमोशन एक बड़ा भारी वरदान है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है एनिमल्स के अंदर और मोस्ट ऑफ दी लोकोमोशन जो होते हैं वो दो ही कारणों से होते हैं मोस्ट ऑफ दी लोकोमोशन जो होते हैं वो दो ही कारणों से होते हैं एक तो पहला सबसे बड़ा कारण ये होता है कि फूड की तलाश में In search of food, भोजन की तलाश में एनिमल करते अपने शिकार को पकड़ने के लिए दूसरा होता है, अपनी जान बचाने के लिए। तो शिकार है वो, वो लोकोमोशन देखा जाता है कि एनिमल कई बार ऐसा होता है कि जो कई वर्ड माइग्रेट करते हैं एक जगह से अगली जगह जाते हैं देते हैं और वहां पर वापस लौट कर आते हैं कई तरह के मूवमेंट्स हमको लोकोमोशन वहां पर देखने मिलते हैं ठीक है तो चलिए बिल्कुल हम टू दी पॉइंट एनसीआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे मनुष्य जो होता है सम ऑफ मूवमेंट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ ऑफ प्लेस और लोकेशन के तो कुछ मूवमेंट इज वेरी वेरी आई एम पी द मूवमेंट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ प्लेस एंड लोकेशन और ऐसे वॉलेंट्री मूवमेंट को बोलते हैं लोकोमोशन याद रखिएगा जो बॉडी मूव मूवमेंट्स हैं जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों सकते हैं जैसे मैंने अपने, मैंने अपने अपने हार्ट हाथ को अपने है, हैंड को मूव किया दी वॉलेंट्री मूवमेंट लेकिन मेरा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है इनवॉलेंट्री मूवमेंट ठीक है पेरिस्टालसिस जो अंदर हो रहा है इनवॉलेंट्री मूवमेंट

फ्लाइंग करना वो अटके दो चलना दौड़ना ऊपर चढ़ना अटके उड़ना तैरना ये सब वो मूवमेंट है जिन मूवमेंट में आपका प्लेस और लोकेशन चेंज हो जाता है इसलिए इनको हम लोकोमोटरी मूवमेंट्स कहते हैं ठीक है क्लियर और मैंने आपको बताया कि जंगल का एक नियम है जंगल का एक नियम है कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाता अटके और इसके पीछे कारण यह है कि पूरे की पूरी प्रकृति में सबसे कॉमन जो फूड चेन है सबसे कॉमन फूड चेन है वो है प्रीडेटरी फूड चेन के प्रीडेशन फूड चेन के मतलब ये है कि जो हरा वो प्लांट है ग्रीन प्लांट है उसे खाता है शाकाहारी हरबी बोर खाता है वोर को खाता है टॉप के तो प्रकृति में क्या होता है एक फूड चेन बनी हुई है हरे पौधे को शाकाहारी जीप खाएगा शाकाहारी जीप को मांसाहारी जीप खाएगा उसे श्रेष्ठ मांसाहारी टॉप कॉर्निवर खाएगा और इसके लिए क्या होता है कि लगातार जीवों के बीच में संघर्ष चल रहा होता है बायोलॉजिकल इंट्रेक्शन चल रहा होता है तो कुछ जीव जो है वो जान बचाने को दौड़ रहे होते हैं और कुछ जीव जो होते हैं वो खाने के लिए दौड़ रहे होते एक बड़ा प्रसिद्ध जो है वो कहीं मैंने पढ़ा सुना था छोटी सी कहानी है वो स्टोरी ये है कि एक बार क्या होता है कि एक सुबह का समय होता है जंगल में के जंगल में मॉर्निंग का समय होता है और एक जो है चीता जो है वो जंगल में घूम रहा होता है और उसे खरगोश दिखाई पड़ता है एक रैबिट दिखाई पड़ता है और वो सोचता है चलो ठीक है ब्रेकफास्ट के लिए मैं रैबिट मिल जाएगा फिर बाद में लंच के समय भूख लगेगी तो कोई लोमड़ी मोड़ी का कुछ पकड़ लगे कुछ हिरन विरन पकड़ लेंगे तो रेबिट को देखकर वो रेबिट के पीछे दौड़ता है मैदान सा होता है फी मिदा, लंबा मैदान होता है रैबिट दौड़ रहा होता है चीता उसके पीछे भी दौड़ रहा होता है अब च, आपको पता है चीता तो बहुत तेज दौड़ता है चीते के दौड़ने की स्पीड तो काफी अधिक सबसे ने सब जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला कोई एनिमल है तो वो चीता है खरगोश दौड़ रहा है पीछे पीछे चीता है और कुछ फिट का केवल अंतर रह गया है और फाइनली खरगोश जो है वो एक बिल में जाके छिप जाता है चीता खरगोश को नहीं पकड़ पाता वो बोलता है यार भाई खरगोश तुमको पकड़ने की हमने बहुत कोशिश की पर तुम पकड़ में नहीं आए जबकि तुमको मालूम है किताबों में लिखा हुआ है सब जानते हैं इस बात को छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे तेज चीता दौड़ता है तुम तो खरगोश तुमसे हम तेज दौड़ते हैं पर तब भी हम तुमको पकड़ नहीं पाए ऐसा क्यों तो खरगोश बोलता है अंदर से भाई साहब फर्क है एक बात का फर्क यह है कि तुम सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए दौड़ रहे थे और हम जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे फर्क इतना है कि तुम सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए दौड़ रहे थे हम अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे तो जाहिर सी बात है कि हमने पूरा दम लगा दिया होगा यही फर्क है जब हम सफलता की तलाश में होते हैं हमें अपने आसपास हमको सफलता ढूंढनी होती है और जब हम उसको उस सफलता को जैसे वो जान बचाने के लिए रैबिट दौड़ रहा है ना यदि हम उतनी इंटेंसिटी के साथ पूरा दम लगा के कोशिश कर लेना तो हम कभी फेल हो ही नहीं सकते आई बस में आपकी इंटेंसिटी और झील जो होती है इच्छा शक्ति जो होती है वो बड़ा रोल प्ले करती है चलिए तो अब उपदेश से बाहर निकल के आते हैं ठीक है अब बात करते हैं यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि प्रीडेशन जो है वो वन ऑफ दॉमन रिलेशनशिप तो आप देख रहे हैं यहां आप पे आप आपको दिखाई पड़ रहा है सीन में साफ साफ ठीक है और ऐसा केवल जो है वो बड़े एनिमल एनिमल छोटे में, नहीं, में नहीं। जैसे आप देख रहे हैं इस स्पाइडर ने इस मकड़ी ने एक मक्खी को पकड़ लिया है इसनेटके तो ये भी देखिए इसने मकड़ी का जाल बनाया मक्खी फंसी उसमें इसने मूव किया उसको और पकड़ के खा लिया इसने तो यहां भी आप देख रहे हैं लोको आपको देखने मिल रहा है हटके फिर पानी के अंदर जाके देखेंगे आप तो वहां भी आप देखेंगे शार्क जो है वो शार्क जो है वो

ठीक तो आप सारे एनिमल को आप स्टैचू कर दे एकदम एक, एक सेकंड के लिए तो क्या होगा जंगल में कोई शिकार कर रहा है वहीं वहीं रुक जाएगा इमेजिन जस्ट इमेजिन के मतलब पूरी का पूरी यदि आप बोले कि एक मूवमेंट ऐसा आता है कि धरती पर जो है वो दो मिनट के लिए स्टैच्यू ऐसा हो जाता है ठीक है जो जहां था मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा कैसा रह गया आप पढ़ रहे हो वो मुंह में पहले कर वैसे का वैसा रहेगा ठीक है तो एक्चुअली में जो है तो सोच लीजिए आपकी ये जो लोकोमोशन है मूवमेंट है कितना इंपॉर्टेंट है इनके एनिमल किंगडम के लिए तो हम देखते हैं जो फूड की को, का को जो लेना है उसके लिए के और सबसे बड़ी बात है कि कई सारी क्रियाएं जो होती हैं इनकी वो स्पीड अब देखिए कई बार क्या होता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन बदलती है यानी वातावरणीय परिस्थिति बदलती है तो कई बार क्या होता है कहीं पर सूखा पड़ने लगा है तो एनिमल वहां से माइग्रेट करके अगली जगह पहुंच जाते हैं

तो इवोल्यूशन को नए नए चांसेस मिलते हैं नए नए कैरेक्टर को कैरेक्टर को वो एक्वायर करते हैं ठीक है ना चलिए तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट फ्रॉम नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दो अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट अब याद रखिएगा ऐसा नहीं होता है कि कोई लोकोमोट्री स्ट्रक्चर है तो वो कोई दूसरा काम नहीं करता याद रखिएगा बेटा कि जिसे मैंने कहा पैरामिशियम में जो पैरामिशियम में जो सीलिया होते हैं ये फूड को मूवमेंट में फूड को लेने में फूड के अपटेक में भी रोल प्ले करते हैं और इसके अलावा लोकोमोशन में भी रोल प्ले करते हैं तो कई बार क्या होता है कि लोकोमोट्री ऑर्गन जो है वो वो, वो नॉर्मल मोवन मैंने आपसे कहा ना हमारे लेग सैंड के हम इन लेग से मूव से लोकोमोशन कर सकते हैं लेकिन इन लेग को एक जगह पर हम मूव भी तो कर सकते हैं हम ठीक है ना तो ये जो ऑर्गन जो, है वो मूवमेंट लोकोमोशन दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं ठीक है तो आप देख रहे हैं

ठीक है इसका मतलब ये दे याद रखिए के मैंने कहा ना कि वी यूज लिम्स फॉर चेंज चेंजेस इन बॉडी पोशर एंड लोकोमोशन एज वेल के हम अपने लिम्स का इस्तेमाल जो है वो बॉडी पोशर और जो है वो लोकोमोशन uh, में कर सकते हैं हम ठीक है अब आप सोच रहे होंगे कि ये ये पहले से अंडरलाइन कैसे आ गया सर तो अंडरलाइन करते हैं एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड करते के दौरान इसके बाद नहीं जहां पैरामीशियम दिखाया उसके बाद आवाज चला गया के कई बार टेक्निकल इन्वायरमेंट में ऐसा होता है कि आपको आधा लेक्चर कर देगा तो आधा लेक्चर में किसी कारण से साउंड सिस्टम बंद पड़ गया तो आपको री रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है और वो री रिकॉर्डिंग करनी पड़ती ना वो आप समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा वो भारी <laughs> पड़ती है लेकिन क्या करें ना कई बार ऐसा हो जाता है तो चलिए तो ठीक तो मैं आगे निकल चुका था फिर से आगे वापस लौट के क्योंकि मेरे बच्चे तो मैं केवल बोलता रहूंगा आवाज नहीं आएगी कैसे काम चलेगा ना तो देखिए तो वी यूज़ लिम्स फॉर चेंज इन बॉडी लोकोमोशन 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 वेल मूवमेंट मूवमेंट एंड कैन नॉट बी सेपरेटली याद रखिएगा और को हम अलग, अलग करके हम अलग-अलग करके स्टडी नहीं कर सकते हैं। कारण ये है कि हर एक लोकोमोटरी एक, हर, हर एक है कि डिस्प्लेसमेंट हमको देखने मिलता है एक, तो एक्चुअली होता क्या है कि हर एक लोकोमोशन एक मूवमेंट है पर हर मूवमेंट एक लोकोमोशन नहीं है मैंने अपना हैंड मूव किया ये मूवमेंट तो है लेकिन ये लोकोमोशन नहीं है तो हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता है लेकिन हर एक लोकोमोशन एक मूवमेंट जरूर होता है क्लियर ठीक है अब देखिए मैथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल वेरी विद हैबिटेट एंड द डिमांड ऑफ दिसन के डिपेंड करता है कि एनिमल किस तरह का लोकोमोशन करेगा ये उसके हैबिटेट पर निर्भर करता है अब जो एनिमल जो है पानी के अंदर रहता है वो जाहिर सी बात है कि वो वाटर के अंदर जो लोकोमोशन करेगा अपने जो है वो फिंस की हेल्प से मूव करेगा तो वो मच्छर जो मूवमेंट करती हैं के भोजन की तलाश में करती है तो अब होता क्या है कि किस तरह के ऑर्गन का वो इस्तेमाल करेगा लोकोमोशन के लिए तो वो डिपेंड करता है उस एनिमल के हैबिटेट पर निर्भर करता है है और किस तरह की क्या एक्टिविटी क्या उस पर डिपेंड करता है याद रखिएगा जनरली एनिमल्स के अंदर एनिमल्स के अंदर जो लोकोमोशन होता है वो किस कारणों से होता है वो सर्च ऑफ फूड के लिए होता है भोजन की तलाश के लिए होता है ठीक है शेल्टर के लिए होता है आवास के लिए होता है अपने मेटिंग पार्टनर की तलाश के लिए होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अपने पार्टनर की तलाश के लिए हमको लोकोमोशन देखने मिलता है एनिमल्स में इसके अलावा सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड की कहां पर एनिमल्स को अंडे देने हैं कहां पर बच्चों को जन्म देना है कहां पर वो अंडे और बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो वो सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड की तलाश करते हैं एनिमल उसके लिए लोकोमोशन करते हैं फिर कई बार वो एन्वायरमेंटल कंडीशन में जो परिवर्तन आ रहे होते हैं मौसम बदल रहा होता है तो एनिमल अपनी जगह को चेंज करते हैं अपने स्थान को बदलते हैं उसके फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर कई बार अपने शिकारी से बचने के लिए शिकार होने से बचने के लिए वो या शिकार करने के लिए वो लोकोमोशन को शो करते हैं क्लियर अब यदि हम एनिमल बॉडी की बात करें ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो जो टाइप ऑफ मूवमेंट है वो आपको तीन तरह के देखने मिलेंगे एक अमीबॉइड मूवमेंट होता है दूसरा सीलरी मूवमेंट होता है और तीसरा मस्कुलर मूवमेंट होता है जैसे मैंने अपना हैंड मूव किया ये एक तरह का मस्कुलर मूवमेंट है अब आप बोलोगे सर ये ह्यूमन बॉडी में अमीवाइड मूवमेंट कहां से आ गया ह्यूमन बॉडी में डब्लू होता है वाइट ब्लड काफ्सल होता है और ये वाइट ब्लड काफ्सल जो होते हैं ना ये जब फेगोसाइटोसिस करते हैं या जब जब ये हमारी बॉडी को इंफेक्शन से बचाने की कोशिश करते हैं तो कैपिलरी के बारीक बारीक पोर जिनको फेनेस्ट्रेशन बोलते हैं वहां से ये बाहर निकलते हैं और ये जो है उस दौरान अमीवाइड मूवमेंट को शो करते हैं तो वाइट ब्लड काप्सल्स अमिवाइड मूवमेंट को शो करते हैं और ऐसे हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं और ये उन जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर इंफेक्शन का सोर्स होता है क्लियर फिर हमारी नजर इपिथिलिया में हमारा जो ट्रेकिया है वहाँ पर जो प्रेजेंट है वो को मूव कराने में रोल प्ले करती क्लियर तो सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट थ्री मेन टाइप ऑफ मूवमेंट जिनको अमीबॉइड मूवमेंट सिलेरी मूवमेंट या मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं क्लियर ठीक है

उस वैक्टरा के पास में या उस एंट्रींग के पास में डब्ल्यूबीसी पहुंचती है उसको ये इंगल्फ कर लेती है खा जाती है उसको एटके फेगोसाइटोसिस करती है तो डब्ल्यूबीसी जो होती है वाइट ब्लड कैप्सल जो होती है वो उनके अंदर चार प्रक्टिस्टिक आप को देखने मिलती है डायपेडिसिस या माइग्रेशन अमीबॉइड मूवमेंट पॉजिटिव कीमोटैक्सिस और फेगोसाइटोसिस क्लियर फेट मैंने आपसे कहा ना बेटा कि नजल इपिथिलियम की बात करें तो सिलेटेड कॉलर में को दिखाई पड़ रही है जो नजल म्यूकस को जो म्यूकस को मूव करने में रोल प्ले करती है तो जो म्यूकस होता है उसको मूव करने में उसकी मूवमेंट में रोल प्ले करती है क्या सिलेटेड इपिथिलियम के क्लियर देखिए यदि आपकी नजल यदि आपकी नोज की नजल को हम मैग्नीफाई करके देखें यदि आपकी नोस की हम नजल मैग्नीफाई करके देखें तो हमको ऐसी दिखाई पड़ेगी एंड नजल जो है उसमें बारीक 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 आप देखिए कितने सारे हैं। आपको जो है वो सीलिया दिखाई पड़ रहे हैं और ये म्यूकस को मूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ठीक है क्लियर फिर जब हम मस्कुलर मूवमेंट की बात करते हैं तो मस्कुलर मूवमेंट ऐसा नहीं है केवल मैंने हैंड को मूव किया यही केवल मस्कुलर मूवमेंट है ये तो वॉलेंट्री स्केलेटल मसल का मूवमेंट है लेकिन हमारी बॉडी में जो हमारा एलिमेंट्री केनाल है पूरा जो परिस्टालसिस को शो करता है वो भी तो एक मूवमेंट है हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है वो भी तो एक मूवमेंट है तो मस्कुलर मूवमेंट वेरियस टाइप के होते हैं जो हमको बॉडी के अंदर देखने मिलते हैं कि उनकी फिजोलॉजी ऑलमोस्ट सेम होती है लेकिन मसल्स अलग अलग होते हैं स्केलेटल मसल होते हैं स्मूथ मसल होते हैं और कार्डिक मसल होते हैं ठीक है क्लियर हम देख रहे हैं ये है हमें कार्डियक मसल को शो कर रहा है ब्लड को पंप करने के लिए ठीक है हार्ट कॉन्ट्रेक्ट कर रहा है रिलैक्स कर रहा है ठीक है सिस्टोल एंड डाइस्ट क्लियर और जब हम दौड़ते हैं चलते हैं तो वहां पर हम स्केलेटल मसल का इस्तेमाल करते हैं और जो है लोकोमोशन को हम शो करते हैं ठीक है क्लियर सम स्पेशलाइज सेल्स इन अवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस ल्यूकोसाइट इन ब्लड एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट आई एम पी है ठीक है, बिल्कुल बेटा टू दी पॉइंट एनसीआईटी की बात कर रहे हैं सम स्पेशलाइज सेल जो हमारी बॉडी में ल्यूकोसाइट होते हैं होते, ब्लड के अंदर पाया इट इज अफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया फॉर्म बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लास्ट इट इज अफेक्टेड बाई सोडिया फॉर्म द स्ट्रीमिंग ऑफ द दोटोप्लास्ट याद रखिएगा जो सूडोपोडिया होते हैं वो पहले से प्रेजेंट ऑर्गन बाहर निकले ऑर्गन नहीं होते हैं वास्तव में साइट सेल मेम्ब्रेन का ही एक हिस्सा जो है वो उभर के बाहर आता है और एक एक जो है लिंब के समान या एक उभरा हुआ आता है इसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं मतलब नकली के पैर के समान दिखाई पड़ रहा है हमने नकली पैर या पेड़ कहा इसको हमने ठीक है एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट आल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट के अब जो सीडोपोडिया का जो उभरा हिस्सा है मूव कैसे करेगा उसको साइटोस्केलेटल उसको मूव के मूवमेंट ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबल ऑर्गन व्हिच आर लाइंड बाय सीड इम के उन सब जगह पे हमको सिलेरी मूवमेंट देखने हमको उन सब जगह पर सिलेरी मूवमेंट देखने मिलेंगे जहां जहां पर सिलेटेड इपिथिलियम प्रेजेंट है जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है हमारे ट्रेकिया में प्रेजेंट है है ना ठीक है जैसे देखिए द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रेकिया हेल्प अस टू रिमूविंग डस्ट पार्टिकल एंड दी फॉरन सब्सटेंस इनहेल्ड अलॉन्ग के तो आप जो हवा अंदर लेते हैं उस एयर में कुछ डस्ट भी आती है कुछ पॉलेंड भी आते हैं तो उन सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए ट्रेकिया के अंदर जो है वो, जो होती है वो बाहर की फ्लो करती है और ये, ये, ये जो है वो इस, इन सबस्टेंस को बाहर निकाल दिया जाता है तो के इसी प्रकार पैसेज पैसे ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल इज ऑल्सो फैसिलिटेड बाई दिलरी मूवमेंट के और जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो ओवम का मूवमेंट होता है कि ओवम जो है फेलोप

और इस इपीथिलम पर हमको ऊपर सीलिया दिखाई पड़ रहा है और उसके ऊपर म्यूकस दिखाई पड़ रहा है ये म्यूकस जो होता है ये डस्ट पार्टिकल को चिपका लेता है अपने सिर के ताकि वो अंदर जो है लंग्स के अंदर डीप सीटेड लंग्स तक वो ना पहुंचे यदि पहुंच जाएंगे तो नुकसान करेंगे वो तो देखिए आप देख रहे हैं कि जो ट्रेकिया के अंदर जो सिलेटेड इपिथिलम है वो म्यूकस को बाहर की तरफ फ्लो करने के लिए लगातार मूवमेंट करती ताकि म्यूकस बाहर की तरफ फ्लो करे अंदर से बाहर की ओर वो फ्लो करें ठीक है आप देखिए ये इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको ये, ये ट्रेकिया की जो ट्रेकिया की में, उसी का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है आप देख रहे हैं उस उसमें आप देखिए आपको रेड जो धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं कुछ पॉलिंग दिखाई पड़ रहे हैं कुछ डस्ट पार्टिकल दिखाई पड़ रहे हैं और इनको जो है धीमे धीमे इकट्ठा करके ये बाहर की ओर थ्रू आउट करेगा और जब कभी बाहर निकलने में दिक्कत होता है मान लीजिए इस म्यूकस को बाहर फ्लो करने में दिक्कत हो रहा है तो आपको जोर की छींक आएगी आपको जोर की खांसी आएगी आपको रिफ्लेक्स एक्शन काम करेगा और आप एक झटके में इसको बाहर निकाल देंगे ठीक है जब कभी आप देखिएगा कि जो लोग जो है जिन लोगों को कभी रेस्पिरेटरी सिम्ट प्रॉब्लम होती है जिनको कभी जो है वो लंग्स में इंफेक्शन होता है वो लगातार क्यों खांसते रहते हैं जिन लोगों को लंग्स में इंफेक्शन होता है लगातार क्यों खास करते हैं क्योंकि लंग्स के अंदर इरिटेशन हो गया होता है और अंदर के इरिटेंट को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही होती है रिफ्लेक्स एक्शन से नॉर्मल सीरीर एक्शन से वो नहीं निकल पा रहे हैं इसलिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है ठीक है फिर आप देखिए फेलोपियन ट्यूब के अंदर आपको सीरीटेड इपिथ्रम दिखाई पड़ रही है जो ओवम के मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्लियर ठीक मूवमेंट ऑफ लिम्स जॉ टंग रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट ठीक है हमारे लिम्स को हमारे जॉ को टंग कोव करने के लिए मस्कुलर मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट बाई ह्यूमन विंग एंड मेजोरिटी ऑफ मल्टी स्लो ऑर्गनिस्ट के अब हमारे जो मसल्स होते हैं हमारी जो मांसपेशियां होती हैं मसल्स होती हैं उनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है देखिए जब ये कॉन्ड्रेक्ट किया तो मेरा हाथ पास में आया जब रिलैक्स किया है बाहर दूर चला गया इनके तो जो कॉन्ट्रेक्शन है यानी मस्कुल मसल्स की कैपेबिलिटी की वो कॉन्ड्रेक्ट कर सकती है और रिलैक्स हो सकती है इनके और ये जो इनकी इनकी कॉन्ट्रेक्टिविलिटी होती है ये मूवमेंट में लोकोमोशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इत के तो लोकोमोशन जो होता है याद रखिएगा लोकोमोशन रिक्वायर्स ए परफेक्ट कॉर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल एंड न्यूरो सिस्टम के जब कभी आप लोकोमोशन की बात करते हैं तो लोकोमोशन में क्या होता है आपका नर्वस टम प्रॉपरली बॉडी को कॉर्डिनेट करने वाला होना चाहिए आपकी बॉडी का कॉर्डिनेशन बना रहना चाहिए ठीक है नर्वस सिस्टम उसमें हेल्प करता है स्केलेटल मसल जो होते हैं वो हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़े होते हैं मसल्स और वो मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रेक्ट करते हैं रिलैक्स करते हैं उससे हमारा स्केलेटल मूव करता है जैसे मैं अपने पैरों को यदि मूव करना मुझे आगे बढ़ना है या हैंड को मुझे मूव करना है तो ये जो बोन है ये बोन मूव नहीं कर रही है इससे जुड़े हुए जो मसल्स हैं वो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं इसलिए बोन मूव कर रही है तो ये जो ज्वाइंट है वो मूव क्यों कर रहा है क्योंकि हमारी मसल्स कॉन्ट्रेक्ट कर रही होती है तो मसल्स हुए और स्केलेटल सिस्टम हुआ और नर्वस सिस्टम हुआ मतलब ये यदि नर्वस सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो ठीक से लोकोमोशन नहीं हो पाएगा आप देखिए चल नहीं पाते हेल्दी तो होना, होना चाहिए और नर्वस सिस्टम भी ठीक होना चाहिए तब जाके प्रॉपर लोकोमोशन हो पाता है मतलब लोकोमोशन कोई सिंपल फिनोम नहीं वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस एक बेहतर बह, प्रकार से कोऑर्डिनेट की गई प्रक्रिया होती लोकोमोशन ठीक है ठीक चलिए तो हमने क्या बोला आपसे कि मोशन रिक्वायर ए परफेक्ट क्वार एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्क्रिटर एंड न्यूरल सिस्टम ठीक है तो चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हम बात करेंगे पहले मसल्स की इसका मतलब ये अब हमें पढ़ने को क्या आ गया हमारे पास पढ़ने को आ गया है नंबर एक कि हम पहले मसल्स को समझ लें हम के सबसे पहले हम बॉडी मस, के मसल्स को जानेंगे हम उनकी फिजियोलॉजी को समझेंगे हम उसके बाद हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम फिर हम देखेंगे हमारी बॉडी में बोन्स जो है वो किस तरह के होते हैं किस तरह का स्कोलर सिस्टम होता है एक्सल स्केलेटल इस सिस्टम क्या होता है अपेंडिकल स्कोलर सिस्टम क्या होता है और उनके ज्वाइंट्स क्या होते हैं उनको देखेंगे हम फिर उसके बाद हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब तो हम देखेंगे कि कैसे ये ये इंडक्शन कैसे मिलता है मसल्स को और कैसे ये काम करते हैं ठीक है तो काफी कुछ पढ़ना बाकी है तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली एक फंडामेंटल फाउंडेशन लेक्चर था इस अपकमिंग लेक्चर्स के लिए अब आप में से कई सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं लगातार कई सारे कमांडोस पूछते है सार हैं कि सर हम ऑनलाइन टेस्ट कहाँ दें डीपीपी कहाँ देखें हम के कहाँ पे हमको वो मिलेगा तो आप सबसे बड़ी बात तो है कि नीचे जो है लगातार नीचे आप देखेंगे तो नीचे एक बकायदा स्ट्रिप लगा होता है इसमें सब लिखा होता है लेकिन उसके बावजूद जो है वो कंफ्यूजन है तो मैं दिखाया था तो आपको कि बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन वेबसाइट है बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन का एप्लीकेशन है वहां पर आप डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं वहां से आप जो है वो ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं वहां से परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लियर चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम मसल से बात करेंगे लेकिन एक होमवर्क है छोटा सा आपके लिए होमवर्क यह है कि जो मैंने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यू पढ़ाया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल मैंने पढ़ाया हुआ कहां पढ़ाया हुआ हमने इलेवंथ क्लास एनसीआरटी का चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल उसमें जो टिश्यू वाला हिस्सा है उसमें थोड़ा सा मसल्स को पढ़ लेना बेटा ठीक ठीक तो ताकि हमको आगे काम आएगा आपको समझने में आसानी होगी चलिए तो पढ़ते रहिए बेटा मेहनत करते रहिए ऑल दी बेस्ट तो आपने लेक्चर नंबर वन कंप्लीट किया काफी कुछ अपने बेसिक फंडामेंटल्स को समझा आपने यहां पे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं था लेकिन ये कि हाँ हमको बेसिक समझ में यहां पर आया तो एक काम करते हैं कुछ गिनती के एमसी को यहां पर हम लगाते हैं पहले आप लगाइएगा उसके फिर मैं आपको आंसर देता चलूंगा उसमें ठीक है क्लियर चलो बेटा देखते हैं तो एमसीक्यू नंबर वन आपके सामने स्क्रीन पे बेटा ये देखो फर्स्ट एमसीक्यू सिलेक्ट दी इन करेक्ट स्टैंडर्ड याद रखो बेटा हमेशा जो है वो इन करेक्ट स्टेटमेंट जो है ना ये आपको पता होना चाहिए क्या पूछा करेक्ट या इन करेक्ट स्टेटमेंट प्लांट एंड एनिमल बोथ एग्जिबिट मूवमेंट प्लांट और एनिमल दोनों जो है वो मूवमेंट को एग्जिबिट करते हैं बिल्कुल सही बात है मूवमेंट जो है देखो बेटा लोको मोशन अलग चीज है मूवमेंट मूवमेंट अलग चीज है लोको मोशन में डिस्प्लेसमेंट भी होता है जैसे मैं ये मूवमेंट है ठीक है है ये मूवमेंट लेकिन मैं मूव क्या ये लोकोमोशन है ठीक है तो प्लांट एनिमल दोनों मूवमेंट शो करते हैं ऑल लोकोमोशन मूवमेंट है जब हम ऐसे कर रहे हैं ये भी मूवमेंट का हिस्सा हो गया ये भी मूवमेंट का होगा गया लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता है, ये सही है ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन ये भी सही है चुनना गलत है हमको मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल वेरी विद देयर हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन भाई डिमांड ऑफ सिचुएशन सी हमको शिकार पकड़ना है या शिकारी से बचना है ठीक है हमें के, जो है मूवमेंट रिप्रोडक्शन के लिए भी है ना देर आर वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स हमको देखने मिलते हैं कि लोकोमोशन हमको देखने मिलते हैं तो एनिमल लोकोमोशन क्यों करता है ठीक है ये उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है किस तरह के हैबिटेट में एक्वाटिक हैबिटेट में टेरिस्टल पे उस पर भी डिपेंड करता है तो ये भी सही हो गया मतलब ये है कि कोई भी कथन गलत नहीं है इसमें से जीके तो आंसर आ गया हमारा अटके ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा के यानी कोई भी अब यहां पर क्या है कि चैप्टर की बिल्कुल बेसिक चीजों को को, को एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे सेकंड क्वेश्चन लोकोमोशन इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन किस लिए उपयोग किया जाता है देखो बेटा फूड औरShelter की सर्च के लिए बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं Search for mate. Mate मतलब होता है कि पार्टनर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके लिए locomotion होता है, सर्च फॉर सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड मछलियां जो के ऐसे स्थान पहुंचती है कई बार एनिमल्स भी ऐसा करते हैं पक्षी भी ऐसा करते हैं ठीक है थीके? तो ये भी सही है स्केपिंग फ्रॉम एनिमिल एंड बिल्कुल फैक्ट है मतलब सभी सही है इसमें तो आ गया ऑल ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग सेल्स एक्सिबिट अमीवाइड मूवमेंट कौन सी कोशिकाएं गति को दर्शाती है ताँगे? ताँगे थे, तब हमने बात की, थी? हमने जो थे, की बात की थी और ये डाइपेडेसिस शो करते हैं बाहर निकल के आते हैं और अमीवी मूवमेंट करते हैं तो इसका आंसर हो गया मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट बोथ शोज दी अमीवाइड मूवमेंट करेक्ट आंसर ठीक है आरबीसी इज नॉट द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट ठीक है बेटा क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन अमीवाइड मूवमेंट कौन सा अमीवी गति में इन्वॉल्व होता है ना मूवमेंट करता है तो क्या इसमें इन्वॉल्व होता है सेंट्रियोल सीलिया माइक्रोफ्लामेंट बताइए सोच के कि क्या इन्वॉल्व होता है ठीक है गलती मत करना करनाट्रियल

बिल्कुल अब देखो बेटा इससे समझ में आता है कि एग्जामिनर इसी चीज पर कैसे क्वेश्चन क्रिएट कर लेता है कि हमें एग्जामिनर का माइंड पढ़ना है हमें समझना है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है ना चलो अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और एमसीक्यू देखेंगे उस समय हम तो पढ़ते रहो बेटा मेहनत करते रहो ऑल दी बेस्टेस्टो के मैन बायोमेंटल join us at www.biomentors.online here you can solve daily practice papers an online test you can download performance enhancement sheets you can track your progress you can interact with other fellow commandos join us and prepare yourself it's a commando training for your success download biomentors online app from Google Play Store.